إلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہایت واجب الاحترام ساتھیو، بزرگو، نوجوانو اور معصوم بچو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں جو گزشتہ دن گزرا ہے وہ پورے ملک کے انسان اس کو نعمت عظمیٰ کے طور پر خوشی کا دن سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور مناتے ہیں۔ ہم جیسوں کو ان باتوں پر گفتگو کرنی اس لیے بھی ضروری پڑتی ہے کیونکہ آپ ملک کے کسی بھی گوشے میں جائیں گے، کسی بھی پروگرام میں جائیں گے تو وہاں خوشی کے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو ہماری شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ جس شریعت کو ہم اور آپ مانتے ہیں اس شریعت کے ہر چیز کے اصول اور طریقے ہیں، ان کی حدود ہیں۔ اگر آپ خوشی منائیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا حدیں ہیں؟ اگر آپ غم منائیں گے تو ان کی کتنی حدود ہیں، کہاں تک منا سکتے ہیں؟ تو جس طریقے سے شریعت نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں خوشی کا بھی طریقہ بتلایا ہے اور غم کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ اگر زندگی میں غم آ پہنچے تو اس کو کس طریقے سے آپ کو وقت گزارنا ہے، کہاں تک حدیں ہیں؟ لہذا ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسا نہیں کہ شریعت نے آپ کو کھلا چھوڑ دیا کہ آپ کسی بھی طریقے سے رو سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آواز نکال سکتے ہیں، رونے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا غم کا ایک طریقہ ہے، آپ غم منائیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، کوئی شریعت اس پر پابندی نہیں لگائے گی، لیکن شریعت آپ کی زبان پر پابندی لگائے گی، شریعت آپ کے جو الٹے سیدھے طریقے ہیں ان پر پابندی لگائے گی۔ اسی طریقے سے جب تمہیں کوئی خوشی ملے، جب تمہاری زندگی میں کوئی خوشی کا دن آئے تو اس میں بھی شریعت کی اپنی پابندیاں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں شریعت کا کوئی ہمارے اوپر دباؤ نہیں، ہم جس طریقے سے چاہیں خوشی منائیں، ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی خوشی کا اظہار کریں، ہمارے سامنے
सामने स्कूलों में हमारे बच्चे और बच्चियां डांस करते रहें या इसी तरीके से उनके बदनों पर कपड़े भी पूरे ना हों और हम समझें कि यहाँ शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा यहाँ भी शरीयत की पाबंदियाँ हैं। मेरे भाई, कल के दिनों के अंदर ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजों के अंदर देखा गया कि हमारे बच्चे हाँ छोटे कपड़े पहन करके हमारे माँ और बाप के सामने डांस कर रहे थे और गाने गाए जा रहे थे। लिहाजा यहाँ पर भी आपके बच्चे भी गुनाहगार हैं, माँ और बाप दोनों गुनाहगार हैं। और जो कराने वाले हैं, जो स्कूल की इंतज़ामिया हैं, वो तमाम के तमाम गुनाहगार हैं। लिहाजा ये बात क्यों करने लगा? ये बात इसलिए करने लगा, अगर आपको खुशी मनानी है तो सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों की मनानी चाहिए जो इस ज़मीन के लिए कुर्बान होकर के चले गए, जो इस ज़मीन के नीचे इस ज़मीन के लिए दफन होकर के चले गए। लिहाजा हमें उनको याद करना चाहिए कि जिनकी वजह से हमें ये नेमत मिली है, जिसको हम 26 जनवरी यौम जम्हूरिया कहा जाता है, हम उनसे मालूम करें आखिर जम्हूरियत का मतलब क्या है, जम्हूरियत कहते किसे हैं। लिहाजा हम उनसे मालूम करें। हम जाते हैं बड़े बड़े फंक्शनों में, हम जाते हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में, बच्चों के डांस और गाने देख करके या उनके ड्रामे देख करके हम इसी तरह वापस आ जाते हैं। और अगर मालूम कर लिया जाए कि आज का दिन क्या दिन है तो हमारे पास उसका जवाब नहीं है, फिर हम पलट करके अपनी नजरों को नीचा कर लेते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि आज का दिन है कैसा दिन। लिहाजा मेरे भाई, मालूम करो अपने बड़ों से, मालूम करो अपने इल्म वालों से, मालूम करो अपने समझदारों से, वो मुझे और आपको बतलाएंगे हाँ ये वो दिन है कि जब इस दिन में अंग्रेजों को भगा दिया गया था और अंग्रेजों को भगाने के बाद हाँ उसको मैं और आप जब आजादी मिल गई तो 15 अगस्त 1947 उसको किया गया। फिर उसके बाद एक तरीका इख्तियार किया गया, वो तरीका ये कि अब इस मुल्क में कानून कौन सा चलेगा, इस मुल्क में इस्लामी कानून चलेगा या दूसरे मजहब के लोगों का कानून चलेगा। नहीं, बल्कि फिर एक साहिब अंबेडकर को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक कानून तैयार कीजिए, आप एक कमेटी बनाइए और ऐसा कानून लेकर के आइए कि जो सबके लिए यकसा हो, सबके लिए बराबर हो। उन्हें तकरीबन 3 साल की मुद्दत लगी और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने कानून ला करके रख दिया और उसी को पास कर दिया गया कि अब इस पर पूरे मुल्क के लोग अमल करेंगे। यह है 26 जनवरी 1950 वाला दिन जिसको मैं और आप खुशी से मनाते हैं। क्यों है खुशी, क्यों मनाते हैं खुशी? यह खुशी इसलिए है कि अब किसी काले और गोरे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के ताल्लुक से मजहब और बिरादरी के एतबार से कानून पास नहीं होंगे, गरीब और अमीर बराबर समझे जाएंगे। लिहाजा तमाम के हुकूक बराबर हैं, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं, कहीं किसी के नाम को काटा और पीटा नहीं जाएगा, किसी एक बिरादरी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, किसी एक मजहब और मसलक के मानने वालों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि इस चीज़ पर अमल किया जाएगा कि तमाम के तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम के तमाम मुल्क में रहने वाले बराबर हैं। लिहाजा किसी के मजहब को मजहब की वजह से उसको टारगेट नहीं किया जाएगा, किसी की मंदिर और मस्जिदों को हाँ बगैर किसी ना इंसाफी के हाँ उनको खत्म नहीं किया जाएगा, किसी की टोपी पर किसी की दाढ़ी पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, किसी के कपड़ों के खिलाफ नहीं हुआ जाएगा, किसी की इबादतों में टांग नहीं अड़ाई जाएगी। ये है जमहूरियत, यहां तक के सबके लिए बराबर का इंसाफ होगा, किसी ताकत वाले के सामने किसी कमजोर के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। इसीलिए हम इस दिन को खुशी के साथ मनाते हैं। लिहाजा मेरे भाई, मैं गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता चलूं, फिर इसको मजबूत करने के लिए एक किस तरीके से जम्हूरियत मजबूत हो, इसके 4 सुतून तैयार किए गए। 4 सुतून किस तरीके से? जब तक ये सुतून मजबूत रहेंगे, जिस तरीके से आपकी मस्जिद में आप बीच के अंदर देख रहे हैं 4 सुतून खड़े हुए हैं, जानते हो जब तक ये खड़े हुए हैं आपकी मस्जिद की छत मजबूत है, लेकिन अगर इत्तेफाक से इनको हटा दिया
दिया जाए या एक को भी कमजोर कर दिया जाए तो फिर ये मस्जिद की छत फिर ये रिक्स में आ जाएगी, कभी भी आपके सरों पर आ सकती है, कभी भी टूट करके बिखर सकती है। लिहाजा इसी तरीके से जमहूरियत के भी चार सुतून तैयार किए गए। वो चार सुतून क्या हैं, आओ तुम्हें बतलाता चलूं। उससे पहले ये समझते चलें कि हम जहां भी स्कूल और कॉलेजों के अंदर गए हैं, हम जहां भी प्रोग्रामों के अंदर गए हैं, हमने देखा कि सिर्फ दो चार रटे रटाए नाम हैं जिनको बयान किया जाता है, जिनको बताया जाता है या जिनके ताल्लुक से नाटक दिखाया जाता है। हालांकि उसके अलावा आप जरा देखें कि ये पूरी की पूरी जिंदगी 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि 200 साल तक हमेशा इन सालों के अंदर अंग्रेजों से टकराव रहा है, इस जालिम हुकूमत से टकराव रहा है। आपको कहां तक बतलाऊं? ओ अल्लाह के नेक बंदो, इसलिए बतलाने चला शायद तुम्हें कोई ना बतलाए, शायद उलमा के अलावा कोई तुम्हें इस तरह की बातें ना बतलाए। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, लेकिन हमारा हक बनता है हम अपने उलमा की बातों को सुने, हमारा हक बनता है हम अपने उलमा की कुर्बानियों को याद करें। और जितनी कुर्बानियां याद की जाएंगी उतनी इस जमीन से मोहब्बत होगी, उतनी इस मुल्क से मोहब्बत होगी। लिहाजा मोहब्बत को बाकी रखने के लिए हमें अपने उलमा को याद करना पड़ेगा, हमें शहीदों को याद करना पड़ेगा, और खाली याद करना नहीं बल्कि उनके लिए दुआएं भी करनी पड़ेगी। और लिहाजा फिर उसी तरीके से हमें अपने लिए भी लाहिया अमल तैयार करना होगा कि हम अपने इस मुल्क से इस कदर मोहब्बत करते हैं। अगर दोबारा किसी ने मैली आंखों से इसकी तरफ देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल करके बाहर कर दी जाएंगी। लिहाजा मेरे भाई ये मोहब्बत कोई शरीयत के खिलाफ नहीं, हाँ कुछ हदें हैं मोहब्बत में, इतने आगे ना बढ़ जाना कि शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाओ, मोहब्बत में इतने आगे ना बढ़ जाना कि अपने अल्लाह और उसके महबूब से भी आगे का दर्जा दे दो। इस मोहब्बत की भी शरीयत ने हुदूद रखी हैं, इसीलिए तो हमें जिन लफ्जों को बोलने के लिए कहा जाता है हमारे उलमा मना करते हैं, उलमा नहीं कुरान मना करता है, शरीयत मना करती है। हम मोहब्बत करते हैं लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं जिस मोहब्बत से शिर्क की बू आए, जिस मोहब्बत से अल्लाह की नाराजगी नजर आए। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं लेकिन 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 हमारी उस मोहब्बत की हदें हैं, हमारी उस मोहब्बत की कुछ पाबंदियां हैं। हम मोहब्बत करते हैं लेकिन अपने इस्लाम का भी ख्याल करते हैं, इसीलिए वो झगड़े बनते हैं कि मुसलमान फुला लफ्ज नहीं बोलते, मुसलमान फुला लफ्ज नहीं कहते। जानते उनके वजह कहने की क्या है? उनकी वजह यह है कि हम इनको माबूद का दर्जा नहीं दे सकते, हम इनको खालिक व मालिक का दर्जा नहीं दे सकते। हमारा खालिक व मालिक हमारा अल्लाह है, हमारा माबूद हमारा अल्लाह है, हमें पालने वाला हमारा अल्लाह है। हम मोहब्बत करते हैं, आओ कभी मोहब्बत को आजमाना है तो आओ तुम्हें हम मोहब्बत दिखाएंगे, कभी सरहदों पर मौका मिले तो मोहब्बत दिखाएंगे, कभी दुश्मनों से मुकाबले का मौका आए तो मोहब्बत दिखाएंगे, कभी जालिम इस जमीन को लूटने और खसोटने की कोशिश करे तो हम उनके खिलाफ मोहब्बत दिखाएंगे। ये कोई मोहब्बत नहीं है कि जबान से पुला चीज कह दो और फिर अंदर ही अंदर इससे गद्दारी करते फिरो। इसको हम मोहब्बत नहीं, इसको हमारी शरीयत में मुनाफकत कहा जाता है। लिहाजा मेरे भाई तो मैं गुफ्तगू ये करने चला, सिर्फ मायूसी उस वक्त में होती है जब हम कहीं जाते हैं दो चार रटे रटाए नाम हमको दिखाए जाते हैं और सुनाए जाते हैं। हालांकि 200 साल की जिंदगी के अंदर जानते हो बड़े बड़े शहीदों ने अपना खून पेश किया था। आओ जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद 1601 में रखी गई थी और ये पूरी दुनिया के अंदर दंदनाती और मुल्क के अंदर खास तौर से अपना तसल्लुत जमाती हुई फिर रही थी, तो उस वक्त में बंगाल की सरजमीन पर सबसे पहला मुकाबला करने वाले कोई और नहीं, नवाब सिराजुद्दौला। सिर्फ 21 या
22 साल के नौजवान थे जिन्होंने इस अंग्रेज से सबसे पहला मुकाबला किया था, और मुकाबला इस कदर सख्त था कि हो सकता था कि अंग्रेज दोबारा इस जमीन पर अपने कदम न रखें। लेकिन इस जमीन की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है, मुझे कहने दीजिए, जहां इस जमीन में बड़ी खासियतें हैं, इसमें एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारे यहां का इंसान जरा से सिक्कों पर अपना दीन और ईमान बेच देता है, जरा से सिक्कों के लिए अपनों का सौदा कर लेता है। इस जमीन की एक बड़ी कमजोरी, जहां बड़े बड़े वफादार पाए गए, जहां बड़े बड़े इसके लिए खून देने वाले पाए गए, लेकिन इस जमीन की एक बड़ी कमजोरी कि बहुत से उसी जमात में से बहुत से लोग ऐसे निकल करके आते हैं, उन्हीं लोगों में से ऐसे निकल करके आ जाते हैं जो जरा से सिक्कों के लिए अपनों को बेचना भी कोई गुनाह नहीं समझते। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जब नवाब सिराजुद्दौला अभी नए नए हुक्मरान बने हैं, नए नए बंगाल के हाकिम बने हैं, लिहाजा 50,000 की फौज को लेकर के अंग्रेज के सर को कुचलने के लिए चले थे। क्या हुआ, उन्हीं का रहने वाला एक वजीर, उन्हीं के पास रहने वाला, अरे वजीर पर सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन उन्हीं का वजीर हां सिर्फ इस लालच में कि अगर नवाब सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए तो बंगाल का हुक्मरान तुम्हें बना दिया जाएगा, लिहाजा सिर्फ इस लालच में अपने का सौदा कर बैठा और अंग्रेज के जरिए से नवाब सिराजुद्दौला को जामे शहादत नोश करा दिया गया, यानी इस दुनिया से उनको रुखसत कर दिया गया। अब आज आने वाले दिनों के अंदर यही मीर जाफर फिर बंगाल का हुक्मरान बना था। तो इस मुल्क की कमजोरी है, लिहाजा अंग्रेज बंगाल की सरजमीन पर कामयाब हो गया, आगे बढ़ा। हालांकि एक बात और बतलाता चलूं, गद्दारों की उम्र ज्यादा नहीं होती, लिहाजा जो अपने अपनों को पैसों के लालच के अंदर बेच दे उनकी उम्र अल्लाह ज्यादा नहीं रखता, उनके राजों को छुपा करके रखा नहीं जाता। सिर्फ ये 4 या 5 दिन का वह हुक्मरान बना था, उसके बाद उसको भी रास्ते से हटा करके कत्ल कर दिया गया था। ये भी है, मुखबिरों की उम्र ज्यादा नहीं होती, गद्दारों की उम्रें ज्यादा नहीं होती, लिहाजा ये एक रास्ता उसने अपना तय किया और फिर बंगाल की सरजमीन का हाकिम हो गया। फिर उसने मुल्क में फिर अपनी नजरें दौड़ाई, अब कौन है हमारे रास्ते की चट्टान, लिहाजा उसको मैसूर और दक्कन की सरजमीन पर एक नाम और नजर आया जिसको मैं और आप सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। जानते हो, ये भी अल्लाह का नेक बंदा, हाँ जो वक्त का अल्लाह का नेक बंदा है, लिहाजा ये भी कभी अंग्रेजों के सामने अपनी नजरें नहीं झुकाता था। और इसका एक जुमला बड़ा मशहूर हमारे बच्चों की जबानों पर भी रहता है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक जिंदगी सबसे बेहतर और अच्छी है, लिहाजा ये कहते हुए अंग्रेज से मुकाबला कर रहा था। और अंग्रेज अपने रास्ते की चट्टान अगर किसी को समझ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इसी सुल्तान टीपू को समझ रहा था। लेकिन क्या हुआ, फिर उसी के वजीर को जिसको मैं और आप मीर सादिक के नाम से जान सकते हैं, उसको भी यही लालच दिया गया, जमीनों का और मालों का लालच दिया गया, लिहाजा इसने भी अंग्रेज से सौदा किया और ये अल्लाह का नेक बंदा सुल्तान टीपू शहीद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। कि किसी एक या दो आदमियों का नाम नहीं, अल्लाह के नेक बंदो, 200 साल तक अंग्रेजों का मुकाबला सिर्फ तुम्हारे आबाओ अजदाद ने किया है, हमारे और आपके बड़ों ने किया है, उलमा ने किया है। लिहाजा जब ये पूरी की पूरी चट्टानें रास्ते से अंग्रेजों की हट गई, अब बिल्कुल रास्ता उसका साफ था, लिहाजा वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी नहीं जानता था कि अभी उलमा इकराम की जमात यहां मौजूद है। लिहाजा जब हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वली अल्लाह के चश्मे चिराग हैं, सबसे पहला फतवा देते हैं, ओ लोगों कहां खोए हुए हो, ओ लोगों कहां सोए हुए हो, अंग्रेज तो तेजी के साथ हमें अपना गुलाम बनाता जा रहा है और तुम कहां सोए हुए हो। ये अब मुल्क पुर अमन नहीं रहा, ये मुल्क दारुल अमन नहीं रहा, बल्कि ये मुल्क अब दारुल हरब बन चुका है, ये मुल्क अब लड़ाई का मैदान बन चुका है। अगर अपनी इज्जतें और अपने माल और अपनी तमाम की तमाम
جائیداد محفوظ چاہتے ہو تو اس انگریز کا مقابلہ کرو، اس انگریز کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شاہ صاحب کا یہ فتویٰ آگ کی طرح پورے ملک کے اندر پھیلا تھا، لہذا تمام کے تمام علماء اس فتوے پر عمل کرنے والے ہو گئے تھے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خالی فتویٰ نہیں بلکہ اپنے ایک شاگرد، اپنے مرید حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو بلواتے ہیں اور بلا کر کے ان کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ پورے ملک کا گشت کیجئے، آپ پورے ملک کے اندر گھومیے، وہاں کے نوجوانوں کے دماغوں کو انگریزوں کے خلاف تیار کیجئے، اپنے ملک کی محبت کے لیے تیار کیجئے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پورے ملک کے اندر گھومتے ہیں اور گھوم کر کے انگریزوں کے خلاف نوجوانوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ لہذا جب ایک فوج تیار ہو جاتی ہے اس کو لے کر کے پنجاب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، کیونکہ خالی انگریز نہیں بلکہ انگریزوں کے ساتھ بہت سارے ہمارے اپنے ملک کے رہنے والے بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، جن میں سے پنجاب کی سرزمین کے یہ ہمارے سکھ بھائی بھی تھے جو بڑی تیزی کے ساتھ انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہیں میں ایک رنجیت سنگھ جو سب سے زیادہ مسلمانوں پر اپنے ظلم و جبر کی چکیاں پیس رہا تھا۔ خیر، حضرت سید احمد شہید اپنی فوج کو لے کر پہنچتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور کئی جگہوں کو، پشاور وغیرہ کو آزاد بھی کراتے ہیں اور وہاں پر اپنی خلافت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، انگریز کی ایک چال یہ بھی رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنوں کو خریدتا ہے، جس طریقے سے اپنوں کے پیسوں کی بولی لگاتا ہے، لہذا وہ بھی طریقہ اختیار کرتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی بات مشہور کر دی جائے اور آپس میں نفرت کر دی جائے۔ لہذا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور ان کا کوئی سپاہی انگریز کے پیسوں میں اپنے ایمان کو نہیں بیچ رہا تھا، تو پھر اس نے ایک بھولی بھالی عوام کے لیے، ہاں، ان کے دل میں ایک بات ڈالی ہے، کہا کہ یہ وہابی تحریک ہے، لہذا یہ وہابی لوگ ہیں، ہاں یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پلا پلا مسلک کے دشمن لوگ ہیں، لہذا یہ وہابی لوگ ہیں، جن کو آج مجھے اور آپ کو بھی کچھ لوگ وہابی سمجھ کر کے مجھ سے اور آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہی چیز ان کے دلوں کے اندر بٹھائی کہ کسی طریقے سے ان کے اندر آپس کے اندر جوڑ نہ رہے اور ان کے اندر توڑ پیدا ہو جائے، اس جماعت کو وہابی کہہ دیا گیا۔ لہذا اب مسلمان ان سے نفرت کرنے لگے۔ اب سید احمد شہید جن کو بھی اپنی زکات لینے کے لیے بھیجتے، جن کو بھی عشر اور خراج لینے کے لیے بھیجتے، نفرت اتنی ہو چکی تھی کہ ان کا کوئی بھی عامل آتا اس کو قتل کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا۔ میرے اور آپ کے اختلاف کی بھی ایک وجہ یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، وہ یہاں نیت باندھتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو ناف کے نیچے باندھتا ہے وہ تو اسلام سے ہٹا ہوا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے درمیان میں کرنے والا کوئی اور نہیں، یہی گوری چمڑی والا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہاں کوئی مسلکوں کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی نفرت اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ لہذا یہ تمام کی تمام نفرتیں پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، یہی گوری چمڑی والا انگریز ہے۔ لہذا میرے بھائی، آپس میں بھائی بھائیوں کو لڑانے والا، لہذا آج ہم اپنے دشمن کو بھول چکے، ہمارے ہندو بھائی بھی اپنے دشمن کو بھول چکے۔ آج ہمارے درمیان میں کشمیر اور بابری مسجد کے جیسے معاملے وہ لٹا کر کے اور گنا کر کے چلا گیا، ہم اپنے اصلی دشمن کو بھول گئے اور ہم آپس میں دشمنیاں کرنے لگے، ہم آپس میں نفرتیں کرنے لگے۔ لہذا میرے بھائی، خیر اس طرف میں گفتگو کو زیادہ لے جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف اتنا کہنے لگا، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف بدگمانی کی گئی، ان کی جماعت کو وہابی جماعت کہہ دیا گیا، لہذا اب ان سے مسلمان بھی نفرت کرنے لگے۔ لہذا ایک وقت میں جب وہ تہجد کے وقت بالا کوٹ میں سوئے ہوئے تھے تو اسی وقت میں آ کر کے ان پر حملہ کیا گیا، اور آج بھی ان کی قبریں وہاں پر مزار موجود ہیں۔ لہذا یہ کوئی ایک دو دن کی جنگ نہیں ہے، اس سے آگے چلیے، جب یہ راستے کے کانٹے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ لوگ بھی شہادت کا جام پی کر کے چلے گئے، اب تھانہ بھون کی سرزمین پر ایک اللہ کے نیک بندے ایک اجلاس بلاتے ہیں جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہاں وہ ایک اجلاس بلا کر کے صدارت پیش کرتے ہیں، وہاں پر انہی کو صدر بنا لیا جاتا ہے، انہی کو اپنا خلیفہ بنا لیا جاتا ہے، انہی کے ہاتھ پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ انگریز کے خلاف، ہاں ایک
बैत करते हैं और तमाम के तमाम अपने सरों से कपन बांध लेते हैं कि जब तक ये अंग्रेज इस जमीन से नहीं जाएगा तब तक हम भी सुकून से अपने घरों को नहीं बैठेंगे। लिहाजा फिर शामली का मैदान सजा, पंजाब में अंबाला का मैदान सजा, लेकिन ये कहाँ तक मुकाबला कर सकते थे। इसी जंग के अंदर हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। उसके बाद 1857 का मामला पेश आया। अब अंग्रेज सबसे ज्यादा अगर किसी को तलाश कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ उलमा को। यहाँ तक उसने ऐलान जारी कर दिया था कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी नजर आए कत्ल कर दिया जाए, जिसका कुर्ता लंबा नजर आए कत्ल कर दिया जाए, जो देखने में हाफिज जो भी कुछ नजर आए, जिसकी शक्ल उलमा से मिलती हो उसको फौरन तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाए। हाँ, तारीख दान लिखते हैं एक नहीं दो नहीं तकरीबन 54,000 उलमा फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिए गए। हाँ, वो खुद अंग्रेज लिखता है कि मैं अपने खेमे के अंदर बैठ करके देखता हूं कि 40 उलमा को लाया जाता है, ला करके उनको अंगारों पर लिटा दिया जाता है, खिंजीर के गोश्त को निकालकर खिंजीर की खाल में उलमा को हाँ उसके अंदर सीख करके जला दिया जाता है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, इस जमीन के पीछे आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मुझे और आपको इस जमीन से मोहब्बत करने का हक है। सबसे ज्यादा इस जमीन से अगर किसी को मोहब्बत होनी चाहिए तो मुझे और आपको होनी चाहिए। लिहाजा उसी के ताल्लुक से फिर 1866 में दारुलूम की बुनियाद अंग्रेज के खिलाफ रखी गई थी और आज तक अल्लाह का ये इदारा फिरका बातिला के खिलाफ मुकम्मल आज भी अपने सरों से कफन बांधकर सफ़े उला में खड़ा हुआ है। लिहाजा खैर इस तरफ गुफ्तगु नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ इतना कहने लगा हम जिस कॉलेज और स्कूल के अंदर गए वहाँ सिर्फ एक या दो नाम रटे रटा दिए और सिर्फ उन्हीं को बतलाया गया, हालांकि मेरे और आपके किसी आलिम को याद नहीं किया गया, मेरे और आपके किसी उलमा की जमात में से किसी एक सिपाही को याद नहीं किया गया। हालांकि हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो माल्टा की जेल के अंदर सिर्फ इसी मुल्क की वजह से हाँ जेल की कैद के अंदर होकर के आए थे, आपको बतलाता चलूं कितनी नफरत करते थे। मैंने अपने उलमा से सुना है जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी और वो बुढ़ापे की वजह से झुक करके चलने लगे थे, लेकिन जैसे अंग्रेज उनके सामने आता था आप अकड़ करके चलने लगते थे और सीधे होकर के चलने लगते थे। किसी ने कहा हजरत आप तो बुढ़ापे की वजह से हाँ झुक करके चलते हैं, लेकिन जैसे अंग्रेज बड़ा आपके सामने आता है आप सीधे और अकड़ करके चलने लगते हैं। जानते हो क्या फरमाया था ओ लोगों, कभी इस अंग्रेज के दिमाग में यह बात आ जाए कि शेख उल हिंद कमजोर हो चुका है, शेख उल हिंद बूढ़ा हो चुका है, रब्बे काबा की कसम मरते दम तक मैं इसके सामने ऐसे अपने सीने को तान करके खड़ा रहूंगा जब तक ये मेरे मुल्क को छोड़ करके नहीं जाएगा। कहां तक याद करोगे? लिहाजा मेरे भाई अपने उलमा की कुर्बानियों को याद करो, अपने उलमा और शहीदान वतन की कुर्बानियों को याद करो। लिहाजा फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको 15 अगस्त 1947 में आज़ादी का दिन दिखाया जिसको मैं और आप 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद कानून बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई कि आप कानून तैयार कीजिए, चुनाचे कानून बनाया गया, उसको 1950 में 26 जनवरी के अंदर कबूल कर लिया गया। लिहाजा अब इस कानून पर अमल किया जाएगा, इस संविधान पर अमल किया जाएगा, इसके खिलाफ कोई अपने कदमों को नहीं रखेगा। लिहाजा मैं एक बात और कहने चला था कि इस कानून की बुनियाद चार चीजों पर रखी गई, चार सुतूनों पर रखी गई। लिहाजा जब तक ये चार सुतून मजबूत रहेंगे जमहूरियत मजबूत रहेगी। लिहाजा वो चार सुतून क्या क्या हैं आप भी नोट फरमा लें, आप भी अपने जहन के अंदर रखें हाँ और अपने आप अंदाजा लगा लें। अगर वो चार सुतून मजबूत हैं, जमहूरियत मजबूत है, अगर वो चारों सुतून कमजोर हो चुके हैं तो याद रखना जमहूरियत भी कमजोर हो चुकी है। अगर जमहूरियत कमजोर हो चुकी है तो हम खुशी किस चीज की मनाएं? वो जमहूरियत जिसकी हम खुशी मनाते हैं वो तो कमजोर और खोखली हो चुकी है। वो चार सुतून क्या हैं मेरे भाई नोट करें, कोई बतलाने वाला कोई सवाल करने वाला सवाल करें तो आप उससे सवाल कर लेना, ये चार सुतून जो जमहूरियत की बुनियाद थे इनको क्यों कमजोर किया गया? अगर ये कमजोर हो गए तो मुल्क कमजोर हो गया। वो चार सुतून क्या हैं? सबसे पहले है इंतखाबात।
जिसको मैं और आप अपनी ज़बान में इलेक्शन कहते हैं। जम्हूरियत का सबसे मजबूत सुतून इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, लिहाजा इसमें कोई गोरे और काले का फर्क नहीं, इसमें कोई अमीर और गरीब का फर्क नहीं। जिसको आवाम चाहेगी उसको अपना जिम्मेदार बनाएगी। अगर 5 साल तक उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो फिर दोबारा से इंतखाबात के जरिए उसको हटा दिया जाएगा और फिर इसी तरीके से उसको फिर उसकी जगह दूसरे ऐसे ईमानदार को लाया जाएगा जो हमारी आवाज को हाँ पार्लियामेंट के अंदर जाकर के उठाएगा, विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाकर के उठाएगा। हम अपना जिम्मेदार खुद चुनते हैं और इसलिए नहीं कि पूरी जिंदगी ये जिम्मेदार रहेगा। अगर काम ठीक करेगा तो दोबारा भेज दिया जाएगा और अगर काम ठीक नहीं करेगा तो हटा करके इसकी जगह दूसरे को बिठा दिया जाएगा। लिहाजा अब जरा मैं और आप गौर करें, क्या इस इलेक्शन के जरिए से हमारी जम्हूरियत मजबूत है? इलेक्शन ईमानदारी से हो रहे हैं? इलेक्शन गरीब और अमीर को देख करके तो नहीं हो रहे? अगर ऐसा हो रहा है तो याद रख लेना, जम्हूरियत कमजोर हो चुकी है, जम्हूरियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि जम्हूरियत का सबसे बड़ा मजबूत सुतून कोई और नहीं इलेक्शन है। लिहाजा आज इलेक्शन के जरिए से जिसका दिल चाहता है हुक्मरानी करता है, जिसका दिल चाहता है इलेक्शन में आकर के धांधली करता है। 70 दफा गरीबों ने आवाज उठाई होगी, 70 नहीं 70,000 दफा, कि इलेक्शन का ये तरीका मशीन वाला, ईवीएम वाला हमारी समझ में नहीं आता, इसको बदल करके वो तरीका लाया जाए जो हमारे बड़ों का तरीका है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी जाती। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन की ये लाइन कमजोर हो गई है तो हमारी जम्हूरियत भी कमजोर हो चुकी है। हमारी जम्हूरियत क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। तो ये जम्हूरियत का सबसे पहला और मजबूत सुतून इंतखाबात हैं, इस जम्हूरियत का सबसे पहला और मजबूत सुतून इलेक्शन है। लिहाजा मेरे भाई आप ये ना समझे कि फुला खानदान के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं, आप भी अपनी किस्मत को आजमाएं, आप भी गरीबों के लिए खड़े हो, आप भी अपने कमजोरों के लिए खड़े हो। नौजवान कहां सोया और खोया हुआ है? अगर तू अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है तो आ जा सियासत के मैदान में, अगर गरीबों के आंसू पूछना चाहता है तो आ जा सियासत के मैदान में, अगर बेकसूरों को हाँ जेलों से रिहाई दिलाना चाहता है तो आ जा सियासत के मैदान में। खाली शोर मचाने से और खाली मीडिया पर बैठकर बुराई करने से कुछ नहीं होगा। लिहाजा अगर तू अपनी गरीब और कमजोर आवाम के लिए कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसका सबसे अच्छा और सच्चा तरीका इलेक्शन है, अगर कुछ करना चाहता है तो। ये क्या हमने सिर्फ फुला खानदान, फुला बिरादरी, फुला को हमने सौंप रखा है, वही उन्हीं की जिम्मेदारी है, वही करेंगे? नहीं, जम्हूरियत में आप भी खड़े हो सकते हैं, आप भी आ सकते हैं और आकर के अपनी कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। खैर, मैं कहने चला कि जम्हूरियत की पहली ताकत, जम्हूरियत का पहला सुतून कोई और नहीं, यही इंतखाबात हैं। अगर इंतखाबात में, इलेक्शनों में गड़बड़ी होगी तो याद रखना जम्हूरियत कमज़ोर हो जाएगी। अगर जालिम कमज़ोर पर आ करके अपना रौब झाड़ करके खुद जीत करके पहुंच जाएगा तो जम्हूरियत कमजोर हो जाएगी। आओ और जल्दी से आगे बढ़ें, क्योंकि वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जम्हूरियत का दूसरा सुतून जिसको सबसे ज्यादा मजबूत समझा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, जिसको मैं और आप हाँ पार्लियामेंट के नाम से या गवर्नमेंट के नाम से, अब इंतखाबात के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए वो अब ये ना देखे मुसलमान क्या है, गैर मुस्लिम क्या है, खुला दरिया क्या है। अल्लाह ने जब तुझे गवर्नमेंट दी है या कौम के लोगों ने तुझे हाँ गवर्नमेंट का जिम्मेदार बनाया है, अगर तू अब हिंदू मुस्लिम करता है, अगर तू हाँ गैरों के महल्ले तो अच्छे कर देता है और मुस्लिम महल्लों के अंदर कोई तरक्की नहीं, इसका मतलब यह है कि जम्हूरियत कमजोर हो चुकी है, जम्हूरियत खोखली हो चुकी है। वरना दूसरा सुतून इस मुल्क की जम्हूरियत का गवर्नमेंट है। लेकिन आज देखें किस तरीके से नाइंसाफियाँ होती हैं, किस तरीके से मेरे और आपके लिए आंखें बदली जाती हैं, किस तरीके से
नई नई चीज़ों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं और गवर्नमेंट में आकर के किस तरीके से मुसलमानों को, उनकी मस्जिदों और मदरसों को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। लिहाजा मेरे भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो याद रख लेना, जमहूरियत कमज़ोर हो चुकी है। अगर गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम करती है, अगर गवर्नमेंट मंदिर और मस्जिद करती है, अगर गवर्नमेंट गोरा और काला करती है, अगर गवर्नमेंट अमीर और गरीब करती है, अगर गवर्नमेंट बिरादरियों पर ध्यान देती है, अगर गवर्नमेंट गरीबों को उनका हक नहीं, मजलूमों को उनका हक नहीं, बल्कि ताकतवरों को और एक खास बिरादरी वालों को तरक्की देती है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट कमजोर, और अगर गवर्नमेंट कमजोर है तो जमहूरियत कमजोर हो चुकी है। लिहाजा उसके बाद हमारे बड़े फरमाते हैं कि इस जमहूरियत का तीसरा सुतून अदलिया है, अदालत है। अगर ये लोग हमारे साथ ना इंसाफी करने लगे इलेक्शन वाले, अगर हमारे साथ गवर्नमेंट वाले अगर हमारे साथ ना इंसाफी करने लगे, तो जमहूरियत का एक बड़ा ताकतवर सुतून कोई और नहीं, अदालत है। जब कहीं से तुम्हें इंसाफ ना मिले, जब हर जगह तुम्हें ना इंसाफी देखनी पड़े, तो फिर जमहूरियत का तीसरा सुतून अदालत है। आप अपने इंसाफ के लिए अदालत पहुँचे, आप अपनी हर चीज़ के लिए अदालत पहुँचे, आप उसके ज़रिए से आप इंसाफ की भीख मांगें, इंसाफ मांगें। लिहाजा अगर वहां से तुम्हें इंसाफ मिले तो समझ लेना जमहूरियत ताकतवर है, लेकिन अगर वहां से इंसाफ ना मिले और वहां भी बड़ों के दबाव हो जाएं, वहां भी ताकतवर लोगों का दबाव हो जाए, वहां भी पैसे वालों की बात चलने लगे, वहां भी मालदारों की बातों को सुना जाने लगे, और वहां भी अदालत सिक्कों में बिक चुकी है, तो समझ लेना जमहूरियत कमजोर हो चुकी है, जमहूरियत खत्म हो चुकी है। लिहाजा ये तीसरा एक बड़ा सुतून जिसको मैं और आप अदलिया कहते हैं, जिसको मैं और आप अदालत कहते हैं। लिहाजा जब तुम्हें कहीं इंसाफ न मिले, तो जमहूरियत का मतलब है कि अदालत का दरवाजा खड़खड़ाया जाए, अदालत के दरवाजों पर पहुंचा जाए। हाँ, जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, वहां से इंसाफ को लाया जाए। कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अदालत से बड़ा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी गवर्नमेंट क्यों ना हो, लेकिन अदालत से आगे नहीं पहुंच सकती। लिहाजा मेरे भाई, अगर तुम्हें ना इंसाफी नजर आए, तो जमहूरियत का तीसरा बड़ा मजबूत सुतून क्या है, अदालत है। इसी के साथ साथ फिर एक चौथा और अच्छा मजबूत सुतून ये है कि अगर हर जगह इस तरह की ना इंसाफियां मिलने लगे, तो जमहूरियत का चौथा और एक और सुतून मुझे और आपको मीडिया समझना चाहिए। ये मीडिया किसी बाप की जागीर नहीं है, ये मीडिया किसी पार्टी की जागीर नहीं है। मीडिया को इसलिए उसको तैयार किया गया, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनाई गई कि हक को हक दिखाया जाए, ना हक को ना हक दिखाया जाए, जालिम को जालिम दिखाया जाए, कातिल को कातिल दिखाया जाए, मजलूम को मजलूम दिखाया जाए, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके साथ नाइंसाफी दिखाई जाए। लेकिन आज ये मीडिया भी आज गुलाम हो चुका है मालदारों का, आज गुलाम हो चुका है बड़े लोगों का। लिहाजा अगर मीडिया गरीबों का साथ नहीं देता, कमजोरों का साथ नहीं देता, मजलूमों का साथ नहीं देता, और झूठ पर झूठ दिखाने में लगा हुआ है, तो समझ लेना जमहूरियत कमजोर हो चुकी है, जमहूरियत खत्म हो चुकी है। लिहाजा मेरे भाई, ये चार सुतून हैं इस जमहूरियत को मजबूत करने के। सबसे पहले इलेक्शन है, और दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट है, तीसरे नंबर पर अदालत है, और चौथे नंबर पर मीडिया है। अब जरा मैं और आप गौर करें कि अगर ये चारों चीजें मजबूत हैं, जमहूरियत मजबूत है, और अगर ये बिक चुके हैं, अगर ये किसी के घर की लौंडी बन चुके हैं, किसी के गुलाम हो चुके हैं, तो याद रखना फिर अब जमहूरियत नाम की यहां कोई चीज नहीं रह चुकी है। लिहाजा हम दुआ करते हैं, अल्लाह इन चारों को दोबारा से मजबूती अता फरमा दे और इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत फरमा दे। लिहाजा कहने का मकसद ये मेरे भाई, ये मुल्क सबके लिए बराबर है, किसी मजहब वाले के लिए इसके लिए कोई मुस्तस्ना नहीं है, सबके सबके हकूक की बात की जाती है। इसीलिए इस दिन को यौम जमहूरिया कहा जाता है कि आज सबके लिए बराबर कानून
कानून का निफाज किया गया था, सबके लिए बराबर कानून बनाया गया था। अगर उस तक चलते हैं तो जमहूरियत की खुशी हम मनाते हैं, और अगर ना इंसाफियां हो रही हैं तो फिर किस चीज की जमहूरियत। अल्लाह इस मुल्क को नफरतों से बचाए, इस मुल्क को आपस की दुश्मनी से बचाए, इख्तिलाफ से बचाए, और हम सबको इस मुल्क की मोहब्बत अता फरमाए। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नत पढ़ ले।